यूएन के कमांडर इन चीफ ने वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दिए जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि यूक्रेन को हर हफ्ते 1,00,000 तोप के गोले चाहिए, लेकिन ये उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अब पुतिन की फोर्स इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यूक्रेन के 1,000 सैनिक हर हफ्ते मारे जा रहे हैं। आखिर 16 महीने की भीषण जंग के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल ज़ालुज़नी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन अमेरिका की वजह से हार रहा है? क्या वाकई में अमेरिका यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दे रहा है? मस्त पड़ा जनरल, खून से लथपथ यूक्रेन। चार जून से अब तक ऐसी क्या वजह रही है कि यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है? आखिर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले को ये क्यों कहना पड़ा कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में सिर्फ खून ही खून है, जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है? अमेरिका का धोखा, यूक्रेन की मौत का तमाशा। पैंतालीस साल के ज़ेलेंस्की जिस वक्त यूक्रेन के जनरल और कमांडरों से युद्ध का अपडेट लेते हैं, तो यूक्रेनी जनरल और कमांडर ज़ेलेंस्की के सामने एक ही रोना रोते हैं कि रूस को हराने और खदेड़ने के लिए जो हथियार नेटो के 31 देशों ने मिलकर दिए हैं, उन हथियारों से यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन को 600 तरह के घातक हथियार मिल चुके हैं, जो लगभग 15,00,000 करोड़ की कीमत के हैं। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनी सेना के 49 साल के कमांडर इन चीफ जनरल ज़ालुज़नी का साफ कहना है कि यूक्रेन को अभी वो हथियार नहीं मिले हैं जिसके दम पर रूस को हराया या खदेड़ा जा सके। अमेरिका का धोखा, यूक्रेन की मौत का तमाशा। यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुज़नी ने अमेरिका की पोल खोल कर रख दी है। ज़ालुज़नी का दावा है कि जंग जीतने वाले सबसे घातक हथियार अब तक अमेरिका ने नहीं दिए हैं। ज़ालुज़नी ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिका के जनरलों ने वादा किया था कि वो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे लगातार यूक्रेन की हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल ज़ालुज़नी के मुताबिक हर हफ्ते 1,00,000 तोप के गोलों की जरूरत यूक्रेन की सेना को है, लेकिन 1,00,000 गोले नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से 1,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। ज़ालुज़नी का यहां तक दावा है कि यूक्रेन को अभी तक F-16 लड़ाकू विमानों के देने पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से काउंटर अटैक रूस के खिलाफ काफी धीमा चल रहा है। जनरल वालेरी ज़ालुज़नी का यहां तक दावा है कि इसीलिए यूक्रेनी सेना को 500 मीटर यानी आधी किलोमीटर की दूरी पर कब्जा करने में काफी खून बहाना पड़ रहा है। मस्त पड़ा जनरल, खून से लथपथ यूक्रेन। Нашої розвідки, УР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням ставки головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऐसा पहला युद्ध है जहां एक देश यानी रूस 81 देशों से जंग कर रहा है। नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर इस वक्त यूक्रेन को अंधाधुंध हथियार देने में जुटे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त यूक्रेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाफ जंग कर रहा है।
यहां तक कि दुनिया की सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस वक्त यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,30,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, वो यूक्रेन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से अब तक रूस को नहीं खदेड़ पाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4,000 टैंक, 7,600 से ज्यादा बख्तरबंद, 3,800 से ज्यादा तोपखाना और 318 लड़ाकू विमान को तबाह कर डाला है। इस बीच अमेरिका ने इशारों ही इशारों में यूक्रेनी सेना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक का कमजोर होना पूरी दुनिया को निराश कर रहा है। वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन के काउंटर अटैक को लेकर क्या कहा, जरा ये भी जान लीजिए। अमेरिका के जनरल मार्क मिले यूक्रेनी सेना को दी जाने वाले हथियारों पर निगरानी रख रहे हैं। मार्क मिले ही उस अमेरिकी टीम का प्रमुख हिस्सा है जो तय करती है कि यूक्रेन को कौन से और कितने हथियार देना चाहिए। जनरल मार्क मिले ने साफ कहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहद खूनी होने वाला है जो काफी वक्त तक चलेगा। मार्क मिले कहना चाह रहे हैं कि यूक्रेन को अभी और ज्यादा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पुतिन का रूस यूक्रेन के पांचवें हिस्से पर कब्जा करना चाह रहा है। जनरल मार्क मिले ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब को बताया कि यूक्रेन का जवाबी हमला लगातार आगे बढ़ रहा था। जानबूझकर बहुत कठिन इलाकों में जंग की जा रही है। यहाँ हर दिन 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 मीटर के इलाके पर कब्जे की जंगें हो रही हैं, जो बेहद खूनी हो चुकी है। मस्त पड़ा जनरल, खून से लथपथ यूक्रेन। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहां तक दावा है कि यूक्रेन जंग को तब तक नहीं रोकना चाहता है जब तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर लिया जाता है। अगर यूक्रेन अभी रूस से शांति समझौता करता या फिर सरेंडर करता है तो फिर नेटो के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हांफते हुए यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए। यही वजह है कि युद्ध बेहद लंबा चलेगा। अमेरिका के रक्षा लॉयड ऑस्टिन ने साफ कहा है कि युद्ध मैराथन की रेस की तरह लंबा चलेगा। Ukraine's fight is a marathon and not a sprint. So we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. And make no mistake, we will stand with Ukraine for the long haul. You can see that commitment in our ongoing security assistance to Ukraine. Last week, the United States announced a new package of more than $2 billion. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक उसके लिए सुसाइड मिशन साबित होगा क्योंकि पुतिन के रूस ने पिछले 5 महीनों में जबरदस्त तैयारी कर ली है। इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की 70 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है जबकि रूस के पास रिजर्व में 7,000 टैंक मौजूद है जो यूक्रेन को पूरी तरह कुचलने के लिए काफी है। इसके अलावा सुखोई और मिग सीरीज के 700 से ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर यूक्रेन के शहरों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन का काउंटर अटैक वॉर एक्सपर्ट की समझ से बाहर है जबकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर अभी रूसी सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजधानी कीव पर भी कब्जा कर लेगा। ज़ेलेंस्की का यही डर और खौफ यूक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है। अमेरिका का धोखा, यूक्रेन की मौत का तमाशा। Никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно. На эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваша проблема. У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности.
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे 31 नेटो देशों से ट्रेनिंग लेकर आए। जो यूक्रेनी सैनिक इस वक्त रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ताकि कम से कम यूक्रेनी सैनिक मारे जाएं। यूक्रेन की सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को भी नहीं छू पाई है, जबकि ज़ेलेंस्की अभी भी दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस पर भारी पड़ रहा है। Фронт Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям побільше таких днів. Був підрозділ Фортиці, які відзначились в битві за Бахмут, героїчно відзначились, молодці воїни. पुतिन अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं कि यूक्रेन को कब तक युद्ध में खींचना है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर इस वक्त जंग रोकी तो यूक्रेन को जिंदा होने का मौका मिल जाएगा और नेटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर तैयारी में जुट जाएगा। इसीलिए पुतिन ताबड़तोड़ हमले पूर्वी यूक्रेन पर कर रहे हैं। अगर 4 जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था, तो अब तक यूक्रेन के 10 से 12 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последующие Гитлера. ज़ेलेंस्की भले ही पूर्वी यूक्रेन में अपनी जीत के दावे करें, लेकिन बखमूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेस, खेरसोन, खार्कियो, मिकोलाय, ज़ापोरोज़िया और लुहांस्क ओब्लास्ट, ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यूक्रेनी सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को टच तक नहीं कर पाई है। इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि 4 हफ्ते से चल रहा यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है। इधर जिस तरह से यूक्रेन के जनरल ज़ालुज़नी अमेरिका के पोल खोल रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन अब हार की कगार पर पहुंच चुका है।